बॉलीवुड की दुनिया से आने वाली बड़ी खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करते चलें कि बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रुटेला और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग शिदत अख्तियार कर गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा उर्वशी रुटेला और भारतीय क्रिकेटर के माबैन लफ्जी जंग उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में अदाकारा ने ऋषभ पंत की जानिब इशारा करते हुए दावा किया कि एक शख्स जिसका नाम आरपी है मुझसे मिलने के लिए होटल आया और घंटों तक मेरा इंतजार करता रहा। अदाकारा ने कहा कि मिस्टर मुझसे दोबारा मिलने के लिए दिल्ली में शूटिंग के दौरान भी आए, ताहम तकरीबन 10 घंटे गुजर जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने कोई फोन कॉल्स नहीं उठाई, जब मैं उठी तो 16 कॉल्स आई हुई थीं। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि किसी को मुझसे मिलने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा। अदाकारा के इंटरव्यू के बाद भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड की, ताहम बाद में उसे हटा दिया। पंत ने अपनी स्टोरी में उर्वशी को मुखातिब करते हुए लिखा कि लोग खबरों और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इंटरव्यूज में झूठ बोलते हैं, मेरा पीछा छोड़ दो बहन। जिस पर उर्वशी रुटेला ने ट्विटर पर जवाब दिया कि छोटे भाई आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं हूं जो डार्लिंग तेरे लिए बदनाम हो जाऊंगी। कबल अजी उर्वशी रुटेला ने दावा किया था कि वो और ऋषभ पंत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर ने इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। ऐसी ही डेली बॉलीवुड अपडेट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।